जीवन में कठिनाइयां भी आवश्यक है। किसी भी महापुरुष का जीवन उठाकर देख लीजिए, वह कठिनाइयों का एक जीता जागता इतिहास मिलेगा। किसी उद्देश्य के लिए जीवन भर कठिनाइयों से जूझते रहना ही महापुरुष होना है। कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। विद्वानों का कहना है कि जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच से नहीं जाता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार के सारे महापुरुष असुविधापूर्ण परिस्थिति में ही जन्मे और पले हों। ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म बहुत ही संपन्न स्थिति में हुआ और वे जीवन भर संपन्नतापूर्ण परिस्थिति में ही रहे। यदि वे चाहते तो कठिनाइयों से बचकर भी बहुत से कार्य कर सकते थे, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। जो असुविधापूर्ण परिस्थिति में रहे, उन्हें तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा। साथ ही जिन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी, उन्होंने भी कठिन कामों को हाथ में लेकर कठिनाइयों को इच्छापूर्वक आमंत्रित किया। वास्तव में बात यह है कि कठिनाइयों के बीच से गुजरे बिना मनुष्य का व्यक्तित्व अपने पूर्ण चमत्कार में नहीं आता और न सुविधा पूर्वक पाया हुआ सामान्य व्यक्तित्व किसी को पूर्ण संतोष देता है। कठिनाइयां एक ऐसी खरात की तरह है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को तराश कर चमका दिया करती है। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है, वह एक अमूल्य संपत्ति होती है जिसको पाकर मनुष्य को अपार संतोष होता है। कठिनाइयों से संघर्ष पाकर जीवन में एक ऐसी तेजी उत्पन्न हो जाती है जो पथ के समस्त झाड़ झंखाड़ों को काटकर दूर कर देती है। एक चट्टान से टकराकर बढ़ी हुई नदी की धारा मार्ग के दूसरे अवरोध को सहज ही पार कर जाती है। अपने व्यक्तित्व को पूर्णता की चरमावधि पर पहुंचाने के लिए ही भारतीय ऋषिमुनियों ने तपस्या का कष्टसाध्य जीवन अपनाया। घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर अरण्य आश्रमों का कठिन जीवन स्वीकार किया। हर आर्य गृहस्थ का धार्मिक कर्तव्य रहा है कि वह जीवन का अंतिम चरण सुख सुविधाओं को त्याग कर कठिन परिस्थितियों में व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण किया करते थे। भारतीय आश्रम धर्म के निर्माण में एक उद्देश्य यह भी रहा है कि घर गृहस्थी में सुख सुविधाओं के बीच रहते रहते मनुष्य के व्यक्तित्व में जो निस्तेजता और ढीलापन आ जाता है, वह संन्यास जीवन की कठोरता से दूर हो जाए और व्यक्ति अपने परलोक साधना के योग्य हो सके। कठिनाइयां मनुष्य को चमकाने और उसे तेजवान बनाने के लिए आती है। कठिनाइयों का जीवन में वही महत्व है जो उद्योग में श्रम का और भोजन में रस का। जीवन को अधिकाधिक कठोर और कर्मठ बनाने में कठिनाइयों की जिस प्रकार आवश्यकता है, उसी प्रकार चरित्र निर्माण के लिए भी कठिनाइयों की उपयोगिता है। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि उसे जितनी ही अधिक छूट मिलती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, वह उतना ही निकम्मा और आलसी बनता जाता है और एक प्रमादपूर्ण जीवन संसार की सारी बुराइयों और व्यसनों का श्रमदान है। खाली और निठल्ला बैठा हुआ व्यक्ति सिवाय खुराफात करने के और क्या कर सकता है। यही कारण है कि उत्तराधिकार में सफलता पाए हुए व्यक्ति अधिकतर व्यसनी और विलासी हो जाते हैं। किंतु जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, परिस्थितियों से टक्कर ले रहा है, असुविधाओं को चुनौती दे रहा है, उसे संसार की फिजूल बातों के लिए अवकाश कहा। उसके लिए एक क्षण का मूल्य है, जीवन की एक एक बूंद का महत्व है। जिस प्रकार मोर्चे पर डटे हुए सैनिकों की साहस और उत्साह की वृत्तियों के अतिरिक्त अन्य सारी वृत्तियां सो जाती हैं, उसी प्रकार कठिनाइयों के मोर्चे पर अड़े हुए व्यक्ति की समस्त प्रभावपूर्ण वृत्तियां सो जाती है। कष्ट और कठिनाइयों का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को ठीक ठीक समझ लेता है और सामर्थ्य भर सहायता करने की कोशिश करता है। उसमें सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग तथा संवेदना जैसे दैवी गुण आ जाते हैं। कष्ट पाया हुआ व्यक्ति दूसरे को सताने और दुख देने से डरता है। कष्ट और कठिनाइयां मनुष्य के अहंकार को नष्ट करके उसमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति के भाव भर देती है।
कठिनाइयों की कृपा से ऐसे अनेक गुण पाकर मनुष्य का चरित्र चमक उठता है और वह मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। कठिनाइयां मनुष्य को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाती है। कठिनाइयों से निकलने के लिए मनुष्य को जो श्रम करना पड़ता है वह स्वास्थ्य के लिए अनमोल रसायन सिद्ध होता है। जो परिश्रम करेगा वह स्वस्थ रहेगा ही, इस तथ्य में किसी भी तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। कठिनाई से उपार्जित सुख साधनों में जितना संतोष होता है उतना सहज उपलब्ध साधनों से नहीं। परिश्रमपूर्ण कमाई से 2 रुपए पाकर एक मजदूर जितना प्रसन्न और संतुष्ट होता है उतना ब्याज के 2000 रुपए पाकर एक साहूकार नहीं। कठिनाइयां मनुष्य जीवन के लिए वरदान रूप ही होती है, किंतु इन अमोघ वरदानों का लाभ वही उठा सकता है जो इनको संभालने और वहन कर सकने की सामर्थ्य रखता है, अन्यथा वह बोझ बनकर मनुष्य को कुचल भी देती है। जो परिश्रमी है, पुरुषार्थी है, साहसी और उत्साही है, वह इनको फलीभूत करके संसार की अनेक विभूतियों को उपलब्ध कर लेता है। जो आलसी, प्रमादी, कायर और अकर्मण्य है, वह इनकी चपेट में आकर जीवन की समस्त सुख शांति से हाथ धो बैठता है। कठिनाइयों का मूल्य बहुत गहरा है। जो इन्हें विजय कर लेता है वह बहुत कुछ पा लेता है, और जो इनसे हार बैठता है उसे बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। कष्ट और कठिनाइयों को जो व्यक्ति विवेक और पुरुषार्थ की कसौटी समझकर परीक्षा देने में नहीं हिचकते वे जीवन की वास्तविक सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो कायर है, क्लीव है, आत्मबल से हीन है, वे इस परीक्षा बिंदु को देख डर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हाय हाय करते हुए जीवन के दिन पूरे करते हैं। न उन्हें कभी शांति मिलती है और न सुख। सुखों का वास्तविक सूर्य दोहकों के घने बादलों के पीछे ही रहता है। जो इन बादलों को पार कर सकता है वही उनके दर्शन पाता है, और जो दोहकों के गंभीर बादलों की गड़गड़ाहट से भयभीत होकर दूर खड़ा रहता है वह जीवन भर सुख सूर्य के दर्शन नहीं कर सकता। वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संसार के दोहकों का झूठा पर्दाफाश किया जाए। शीतलता का सुख लेने के लिए गर्मी को सहन करना ही होगा। केवल मात्र सुख सुविधाओं से भरा जीवन अधूरा है। जब तक मनुष्य दोहकों का अनुभव नहीं करता, कष्टों को नहीं सहता, वह अपूर्ण ही रहता है। मनुष्य की पूर्णता के लिए दोहक तकलीफों का होना आवश्यक है। दोहकों की आग में तपे बिना मनुष्य के मानसिक मल दूर नहीं होते, और जब तक मल दूर नहीं होते मनुष्य अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाता। इसके अतिरिक्त कष्ट कलेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि उनके आगमन पर गरीब को बड़ी तीव्रता से ईश्वर की याद आती है। दोहक की तीव्रता मनुष्य में ईश्वरीय अनुभूति उत्पन्न कर उसके समीप पहुंचा देती है। कष्ट और क्लेशों के रूप में मनुष्य अपने संचित कर्मफलों को भोगता हुआ शनैश्नेह परलोक का पथ प्रशस्त किया करता है। जहां दोहक की अनुभूति नहीं वहां ईश्वर की अनुभूति असंभव है। यही कारण है कि भक्तों ने ईश्वर के समीप रहने के साधन रूप दोहक को सहज स्वीकार किया है। कष्ट और कठिनाइयों को दोहक मूलक मानकर जो इनसे भागता है उसे यह दोहक रूप में ही लग जाती है, और जो बुद्धिमान इन्हें सुखमूलक मानकर इनका स्वागत करता है उसे यह देवदूतों के समान वरदायिनी होती है। कठिनाइयों का भी